बलात्कार की रफ्तार को थामने के लिए पाकिस्तान एक अच्छा कदम उठाया है। पाकिस्तान में रेपिस्ट 2 को रासायनिक तरीके से नपुंसक बनाने का ऐलान हुआ है। दुष्कर्म को सबसे बड़े अपराधों में गिना जाता है। इसमें सजा देने के नियम में बदलाव के साथ साथ समय समय पर नए सिरे से परिभाषित भी किया गया। बावजूद इसके दुष्कर्म की घटनाएं कम होने की जगह बढ़ रही है। इसमें कोई एक देश नहीं है बल्कि समूचा संसार चिंतित है। पड़ोसी देश पाकिस्तान भी परेशान है। बीते कुछ वर्षों में वहां बलात्कारियों की घटना काफी बढ़ गई। अभी कुछ दिन पहले वहां एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे पाकिस्तान को झकझोर दिया। पंजाब के सिंह प्रांत में मां बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार करने की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। ये घटना कमोबेश दिल्ली में घटी निर्भया कांड जैसे ही थी। बलात्कार करने के बाद बदमाशों ने दोनों मां बेटी के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया। अगले ही दिन वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बलात्कार पर पहले से बने कानून को बदलकर कठोरता कानून बनाने का फरमान जारी कर दिया। बलात्कारियों को सजा के रूप में नपुंसक बनाने का कानून परिवर्तन कर दिया गया। कुछ ऐसे ही कानून बनाने की मांग हिंदुस्तान में भी उठती है लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाता। जबकि भारत में बलात्कारियों के केस सबसे ज्यादा प्रतिदिन दर्ज किए जाते हैं। सवाल उठता है कि जब बलात्कारियों को पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क में नपुंसक बनाया जा सकता है तो भारत में क्यों नहीं? निर्भया के दोषियों को जब सूली पर चढ़ाया गया तो उस वक्त लगा कि अब ऐसे घिनौनी वारदात से लोग डरने लगेंगे, लेकिन पहले से भी अब रेप के मामले ज्यादा होने लगे। इसके बाद हाथरस, बलरामपुर व राजस्थान की घटनाएं ताजा उदाहरण है जहां बलात्कारियों ने मानवता को तार तार कर दिया। निश्चित रूप से हमारे यहां रेप के आंकड़े डरावने हैं। 2018 में दुष्कर्म के 33,356 मामले दर्ज हुए जिसमें आधे से ज्यादा पीड़ित नाबालिग बच्चे थी। भारत में औसतन रोजाना 90 से 100 दुष्कर्म की घटनाएं होती है। यह आंकड़े वो है जो रिपोर्ट किए जाते हैं। बाकी गाँव देहात में लाश श्रम के कारण रेप के मामले दर्ज ही नहीं हो पाते। वहां आज भी पंचायतों द्वारा मामले सुलझाए जाते हैं। पीड़िताओं को धन रूपी और थोड़ा बहुत मुआवजा देकर मामला रफा दफा कर दिया जाता है। 2017 में दुष्कर्म के 32,559 मामले दर्ज किए गए थे जबकि 2016 में यह आंकड़ा 38,950 था। रेप के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बलात्कार के कानून में बदलाव भी किए गए लेकिन सख्त नियमों के बाद भी अपराधी अपराध करने से नहीं डरते। जैसे पाकिस्तान में अब बलात्कारियों को रासायनिक तरीके से नपुंसक बनाया जाएगा, ठीक उसी तरह से हमारे यहां भी नियम लागू किया जाए।